हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला वनडे मुकाबला खेला जाने वाला है उसके बारे में। क्या होगा प्लेइंग 11, कैसा रहने वाला है पिच और कितने बजे से शुरू होगा यह मुकाबला, पूरे डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला वनडे मुकाबला होने वाला है, यह मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला है। जी हां दोस्तों, बता दें कि यह मुकाबला कमाल का होने वाला है। टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों, भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला सुबह 9 बजे ही शुरू हो जाएगा 4 नवंबर को। तो दोस्तों, सभी के मन में यही सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या होगा बेस्ट प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए, क्योंकि बता दें कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड का अनाउंस हुआ है उसमें कई खिलाड़ी का वापसी हुआ है, जैसे बाबर आजम, साइन असा अफरीदी, इसके अलावा नसीम साहब भी वापस आए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में क्या यह सभी खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं, सभी के मन में यह सवाल है। वैसे बात करें इस मुकाबले में तो पाकिस्तान का उतना पलड़ा भारी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने घर में बेहद ही मजबूत टीम मानी जाती है। और वैसे भी जो ऑस्ट्रेलिया टीम के मुख्य कप्तान है पैट कमिंस नजर आने वाला है बतौर कप्तान, तो बिल्कुल आसान नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी कोशिश करने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यह हम उम्मीद कर सकते हैं। मुकाबला शायद ऑस्ट्रेलिया जीते लेकिन लड़ाई पाकिस्तान की तरफ से नजर आएगी, तो मजा आएगा इस मुकाबले में। तो दोस्तों, कौन कौन से हुआ 11 लड़ाके होंगे पाकिस्तान की तरफ से। तो दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग में हमें नजर आएंगे अब्दुल्ला शफीक और शाइम अयूब, माल के ओपनर बल्लेबाज है और इन दोनों का जोड़ी भी एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनाता है, जहां अब्दुल्ला शफीक जो कि बेहतरीन तकनीक के साथ खेलते हैं तो शाइम अयूब बेहद ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, और इसी वजह से यही ओपनिंग जोड़ी के साथ पहले वनडे मुकाबले में नजर आने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। फिर नजर आएंगे बाबर आजम। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम भी खेलते हुए नजर आएंगे। यह मुकाबला भले ही टेस्ट मुकाबले से ड्रॉप कर दिया गया हो, लेकिन बाबर आजम अभी भी सबसे अहम बल्लेबाज है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, और इसी वजह से बाबर आजम भी यह मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे। हमें नजर आएंगे कमरान, जिस प्रकार के इनका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस रहा है बिल्कुल मौका मिलने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से। टेस्ट मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस किए हैं, ऐसे में अब वनडे के बारी है, पहला वनडे मुकाबला जो कि कमरान खेलते हुए नजर आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर इसके बाद कप्तान नजर आएंगे मोहम्मद रिजवान नजर आएंगे, और मोहम्मद रिजवान से बेहद ही ज्यादा उम्मीद होगा इस मुकाबले में। एक विकेटकीपर बल्लेबाज जो कि नीचे अगर बल्लेबाजी करता हो उससे फिनिश का उम्मीद करेगी पाकिस्तान। इसके अलावा सलमान अली आगा नजर आएंगे, बता दें कि सलमान अली आगा भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है जो कि बैटिंग के साथ साथ बेहतरीन बॉलिंग भी करते हैं। फिर हमें नजर आएंगे आमिर जमाल। जी हां दोस्तों, यह भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, पेस ऑलराउंडर है, बैटिंग के साथ बेहतरीन बॉलिंग करने की क्षमता रखते हैं और लड़ना जानते हैं, कई बार मुश्किल स्थिति में आकर अच्छा परफॉर्मेंस की है। ऐसे में आमिर जमाल से उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस करे। फिर हमें नजर आएंगे शाइन शाह अफरीदी, इसके अलावा हारिस श्रॉफ भी नजर आएंगे। वहीं बता दें स्पिनर में अरफात मीनास को मौका मिल सकता है इस मुकाबले में। तो दोस्तों, यह हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्लेइंग 11 पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बता दें कि यह मुकाबला जो कि स्टार स्पोर्ट पर आने वाला, डिजी प्लस हॉट स्टार पर आने वाला है भारत में। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड है इस मुकाबले को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।